हाँ नेताजी कहाँ है? पसंद आ आप लोग का नेताजी लोगों का हो गया? नेताजी लोगों का नहीं हुआ, कार्यकर्ता लोगों का। बहुत लोग तो निकल गए ना, कार्यकर्ता लोग निकल गए। कितने लोग अभी हैं अंदर में? और सात लोग हैं और अंदर, और मेन नेता लोग जो है सात आठ लोग ऊपर, और ये है धारा लगा हुआ है बाहर। तो वहाँ अभी उन लोगों का बिल रिसीव नहीं हुआ? नहीं, उन लोगों का फाइल हुआ है। सोमवार को शायद हो सकता है बहस हो। सोमवार को बहस हो जाता है तो मंगल बुध तक निकलना। निकलने के बाद तो आप लोग का वार्ता का डेट निर्धारित कर रहे हैं? हमारे यहाँ पर पार्टी हमारे घर पर बैठे हुए हैं सब, कुछ आवास पर धरना पर लोग बैठा हुआ है और जगह लोग बैठा हुआ है बेचारा सब, है ना। बैठ गया वार्ता करके समाज में रास्ता निकाल के आप लोग का, है ना। फिर आता थोड़ी है हम लोग जो पढ़ाई है। नहीं सर, ये तो पहले हो गया कि पहले लाश को रखे रहिए और अपराध कर दीजिए, उसके बाद लाश को जलाइएगा, ये कैसे होगा सर? हमारे साथी अभी भी जेल में हैं। तो हमारी डिमांड अभी रखा गया है सर, सारे लोग हड़ताल पर हैं। जब तक हम लोगों की वार्ता नहीं हो जाती हम लोग कैसे विद्यालय? वही कह रहे हैं, तो वार्ता के आप लोग नेता लोग निकलेगा वही बात। जी जी जी, बीच में भी हमारे पास लोग आए थे रांची मिलने के लिए सर, आवास पर आए थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, बाकी आप लोग वार्ता करोगे तो वार्ता के लिए हम लोग डेट निर्धारित कर देंगे। हम लोगों ने कहा कि नहीं सर, हमारे नेता लोग आएंगे वार्ता में, कौन बात करेंगे। जी बिल्कुल सही बोले। तो इधर अखबार में पढ़े कुछ लोगों का बात नहीं, वो बेल हो गया है। बेल हो गया सर, क्योंकि वो नेता लोगों का बेल बाकी है ना, बाकी लोगों का बेल। तो यही हम लोग सब जानना चाहते थे सर, आप लोगों का, आपका पहल, माननीय मंत्री सरजू राय जी का पहल, ये हम लोग मीडिया में सोशल मीडिया में देख रहे हैं सर, बहुत अच्छा लगा लगातार। तो हम लोग आज यहाँ यही जानना चाहते थे कि मीडिया में भी बहुत लोगों का बयान आता है सर, लेकिन बहुत लोगों का केवल बयान आता है, पहल नहीं होता है सर। तो कैबिनेट में भी रखे और सर, बहुत योद्धा थे जैसे पहल किए हैं, और आपके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ जी भी इसमें लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी से भी सम्मानित लोग बात किए हैं पार्टी के अधिकारियों ने। जी मुख्यमंत्री जी भी नॉर्मल हो गए हैं, नॉर्मल हो जाइए और धीरे पता करके रास्ता निकाल के, और जो सम्मानजनक आप लोग का हो सकता है सरकार करेगी। हम लोग तो नॉर्मल ही हैं सर, आपका सत्ता पक्ष छोड़ के किसी के दरवाजे पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। हम लोग बैठे हैं तो केवल सत्ता पक्ष के दरवाजे पर तो लेना भी है और इनको देना भी है। हम लोग अपना ही सब है, परिवार के हैं, लेना भी है और देना भी है सर, सत्ता पक्ष के ही लोगों के लिए। लोग राजनीतिक फायदा नहीं उठाए और भी तरह तरह का बात है, सब कुछ भूल के हम लोग एकदम सत्ता पक्ष पर ही उम्मीद लगाए हुए हैं कि सत्ता पक्ष से ही हम लोगों का उद्धार होगा। आज हम लोग 15 साल समस्या तपस्या किए हैं सर, 52 लाख बच्चे आज स्कूल नहीं जा रहे हैं, भोजन नहीं मिल रहा है, हम लोगों को भी काफ़ी दुख है इसके लिए। लेकिन हम लोगों का बच्चा परिवार का पेट नहीं भरेगा तो हम लोग बाकी दूसरे का और कहाँ ध्यान रख पाएंगे। ठीक है, जितना जल्दी हो उसको सॉर्ट आउट करने का उपाय हम लोग पाल करिए। क्या है कि अभी नया जो बहाली है, हमने कल हमने कहा था कि नया करेंगे, उसको हम लोग भेजवा बना के नया बहाली कोई मत करिए, नया फैजाबाद पैदा हो जाएगा। मतलब आप एक जगह पढ़ा रहे थे, वहाँ पे दूसरा कोई टीचर आ जाएगा तो आपका जो हक मारा जाएगा ना, फिर कम्युनिकेशन गाँव गाँव में कम्युनिकेशन गैप होगा, झमेला पैदा होगा। तो इसको भी हम लोग समझाने में काफ़ी सफल रहे हैं ऊपर। जी आप लोग की तरफ से बहुत से बात को रखे हैं, चीफ सेक्रेटरी की बात करें, शिक्षा सचिव की बात भी रखे हैं बात को, और लोगों ने माना भी है। एक बात है ना सर कि सचिव लोग जो हैं बार बार दुहाई देते हैं कि 50% इनको मिला है, 50% इनको मिला है। सर हम आपको आप देख सकते हैं यहाँ कि 2 से 4 साल में सब 50 साल क्रॉस हो जाएंगे और 50% का कोई लाभ हम लोगों को नहीं मिल पाएगा सर। और सर 50% नहीं है सर, 50% नहीं है सर, 50% नहीं है सर, वो तो आपका हिसाब बांट दिया, जैसे मान लीजिए भारत पाकिस्तान सीट को बांट दिया है सर, आरक्षण नहीं दिया सर। आरक्षण देता है तो हमको पहले ही लोग हम लोग क्योंकि जहाँ हम एक्सपीरियंस है 10-15 साल का, लेकिन हमको हम लोग का 54% था लेकिन 42% लोग नौकरी मिल गया सर, गैर पारा में 12 नहीं बांटता सर, खाली चिल देता 50% आरक्षण, तो हम लोग को ऑल एरिया खाली जनरल ओबीसी एससी एसटी देता और सीट खाली जाता था ना सर, और खंडित नहीं करता हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं करता बंटवारा उपाध को, तो मेरी नौकरी सब पर होता। लेकिन इसे यहाँ क्या हो गया सर, पहाड़ी लोगों को जैसे आपका जो भी है गिर पड़ा वाला कम नंबर में हो गया सर। हम लोगों का संगठन से डिमांड है सर, नहीं चाहिए हम लोगों को 50%, छत्तीसगढ़ नहीं तो कम से कम बिहार की तरह हम लोगों को वेतनमान मिल जाए, हम लोग अपने बाल बच्चे को पाल। अभी हमारे पास हम लोग को अभी कैबिनेट में चर्चा होने के बाद हम लोग को छत्तीसगढ़ का और मध्य प्रदेश का सब कुछ दिया गया। जी
छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जो आप लोग पहले मांग कर रहे जी, छत्तीसगढ़ मांग मध्य प्रदेश करने से आप लोग को लॉस है। आप देखिए दोनों का मैं अपने पास भी है, अभी हमारी गाड़ी में भी अभी अभी तो मंगाते हैं गाड़ी में भी बहुत बहस हुई कि मेरे बाद बहुत बहस हुई हम लोग अधिकारियों के साथ। हम लोग पढ़े भी उसको, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे आपको ज़्यादा मुनाफा हो जाए, आखिर से तो खराब है वहाँ पढ़े। बिहार वाला बिहार में क्या है, बिहार वाला नहीं पढ़े, बिहार में मानता है ज़्यादा क्या है बिहार में सभी टीचरों का सर वहाँ वहाँ भी पंचायत चुनाव के पहले भी कुछ लोग बाहर होते और सभी लोगों का एक ये हुआ कि जो थर्ड ग्रेड का ये वेतन मान है उसका है आप लोग उसको सब जी अभी तो नहीं है लेकिन कॉपी है, कॉपी है भैया। छत्तीसगढ़ में तो बहुत कम पैसा दे रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, वहाँ जो आठ साल सेवा दे लेता है पारा टीचर उसको सरकारी टीचर में 3500 से शुरू है, लेकिन जो आठ साल का एक्सपीरियंस जिसका हो गया, जो आठ साल काम कर लिया वो सरकारी टीचर में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ सर, वो देखे हैं वो आठ साल का एक्सपीरियंस जिनको हो जाता है वो स्वतः सरकारी शिक्षक में चले जाते हैं। अभी जो क्वालिफाइड जो ट्रेड पास होगा इस तरह का अभी तो हम लोग ले गए ना, तो आधा लिया तो हम लोग सीधा घुसा ही आप लोग सर, आठ हजार तो आप लोग सरकारी हो गए ना, अभी आपके सामने बात जो टीचर की बहाली हुई सर, तो उसी पर 50% आप लोग को लिए ना, वो 50% में वही हुआ सर कि हमारे 65% 59% वाले लोग आज बैठे हुए हैं और जो गैर पारा में सीट बंटवारा हुआ उसमें 40% वाले लोग शिक्षक बन गए सर, और वो पारा से ही बने हैं ना, नहीं सर गैर पारा जो पारा नहीं थे वो हमसे ज्यादा लोग घुस गए और कम पॉइंट में वो घुस गए। और सर ये 50% का लाभ हमको तब तक मिलेगा जब तक हम 50 साल का उम्र नहीं पार कर जा रहे हैं, 50 साल जैसे मेरा क्रॉस होगा हम उसके लायक भी नहीं है कि हमको 50% में हम आएंगे, 50 साल के बाद तो आपको बहाली में घुस ही नहीं सकते, घुस ही नहीं सकते हैं। और सारे लोग सर देख सकते हैं कि 2-4 साल में सब 50 साल के हो जाएंगे, तो 50% से क्या नहीं हम लोग बार बार बात करते हैं, कम से कम हम लोग ऐसा यहाँ से क्यों नहीं एक बार होनी चाहिए कि यहाँ एक बेहतर बने, यहाँ का यहाँ से बेहतर करने के लिए ही तो हम बोल रहे हैं कि आपके नेता लोग वार्ता के लिए कब चाहेंगे आप डेट जब बताएंगे हमको, हमारा फोन नंबर रखिए बताइए हम लोग डेट का आपको समय, चीफ सेक्रेटरी जी रहेंगे सचिव रहेंगे बैठ के वार्ता कर लेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अगर वार्ता करना चाहते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी वार्ता करने समय देने के तैयार हैं, वार्ता करके इसको और निराकरण निकाल लीजिए आप लोग, और आप लोग को इसमें क्या अच्छा हो सकता है, क्या सम्मानजनक आप क्या लेना चाहते हैं वो सरकार आपको सरकार दे सकती है, बजट की पोजिशन को देखते हुए और आप कितना दूर आगे जा सकते हैं, सरकार कितना दूर नीचे आ सकती है, देखिए एक रास्ता निकाल के इसको शॉर्ट आउट करिए, क्या देखिए अभी अब हम लोग भी चुनावी मूड में जाएंगे, लोकसभा चुनाव का अधिसूचना तो महीना बाद जारी हो जाएगा जी। चुनाव हम लोग देखें कि हम आप लोग को सरकारें जो भी होगा पहले करवा दें, आप लोग आप लोग ठंडा से बच्चा बढ़ाइए, हम लोग चुनाव में तैयारी है कि हम लोग ठीक नहीं लगता है आप लोग का है, आप लोग बहुत दिन से चला रहा है, आप लोग गलत दिन का चुन लिया, सपना दिवस में ढूंढना नहीं चाहिए सर, हम लोग बड़ी उम्मीद के साथ गए थे कि तोहफा लेके आएंगे मुख्यमंत्री जी हम लोगों को कुछ देंगे, समझ नहीं उस दिन को हम लोग बहुत अच्छा दिन मान रहे थे सर, और उस अच्छा दिन में चाह रहे थे कि हम लोगों को मुख्यमंत्री जी से अच्छा चीज मिल जाए, तो दूसरा दिन भी हम लोग इस उम्मीद के साथ गए, हम लोग उसके लिए 15 दिन का समय पहले दे दिए थे मुख्यमंत्री साहब कि आप उससे पहले इस बार जो समझौता होगा उस चीज का करके जी, अभी आंदोलन फलना बंद कर दिए वो तो सर समझौता बच्चा को पढ़ाइए बढ़िया से, बिल्कुल सर आप लोग परिवार का सदस्य है जी, हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि आप लोग को इतना कम मिले कि आप लोग बाल बच्चा नहीं पूछ सकते जी, आप लोग को भी समाज का तरीका मिले जाकर आप लोग जीवन बढ़िया से समाज में बच्चा जो बच्चे को पढ़ा रहे समाज में शान से जी सके आप लोग, ठीक है जी। आइए धमजे बाबू आइए, इन लोग हमारा भाई सब परिवार के लोग हैं, हम बोल दिए इन लोग रोक लिए इन लोग प्रयास हम लोग लगातार किसान लोग हैं भागे भैया भागे कैसे आपको सुनने के लिए तैयार है तो बात कैसे जब आप कहिएगा आप लोग हम तैयार
हम लोग तो कभी से कह रहे हैं सर, मैंने लोग कहने के लिए आपका जो मैन नेता कहने के लिए आपके दरवाजे पर बैठे हुए हैं, और तब तक बैठे रहेंगे जब तक आप नहीं कहिएगा हो गया आप लोगों का, आप उठिए तब हम लोग उठेंगे, नहीं तो आज मंत्री जी आपको हम बता दे रहे हैं, पिछले मंगलवार को हम थे इनके यहाँ सब प्रदेश, आपको तो हम बता दिए सब प्रदेश स्तरीय आप लोग का पदाधिकारी लोग भी, दू गो नेता को आप लोग लेके कैबिनेट में चल गए, ये अपने जोरदार ढंग से बात की, अखबार में भी आया जान रहे हो मुकेश शाह वगैरह सबसे बात की, अपने दू गो भाई है आप लोग का पूरा, सर को तो बताए कि आपकी पहल और माननीय सरजोराय जी का पहल, उससे हम लोगों को कोई ये नहीं है, हम लोगों को उम्मीद भी है कि यही दोनों लोग या तो सरकार बदल देंगे चाहे हम लोगों का मांग दिला देंगे, बहुत उम्मीद लगाए सर सही बता रहे हैं, क्योंकि आज की स्थिति हम लोग को जो है बहुत दयनीय स्थिति है, 8-10 हजार रुपया में क्या होगी सर, यदि सरकार इस पर नहीं यदि हम लोग पर गौर करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, बाल बच्चों को भी हम लोग फीस नहीं दे पा रहे हैं सर, यहाँ के सचिवों द्वारा बरगलाया जा रहा है सरकार को, वो कहते हैं 34,000 से 94,000 वाला वेतन मान हम लोग मांगते हैं, जबकि हमारा जो मेमोरेंडम है उसमें 5,200 से 20,200 वाला हम लोग वेतन मान मांग रहे हैं, और सचिवों द्वारा बरगलाया जा रहा है जिससे वो भयभीत हो रहे हैं, हमारा मांगने है मांग है 5,200 से 20,200 वाला, उसी में हम लोग समायोजन करने के लिए जो बिहार दिया उसको तो मांग दिया हम लोग, बिहार हम नहीं देखे बाकी मध्य प्रदेश अच्छा 10 मिनट बाद चंदा चला जाए ठीक, किसान लोग भी अपना अपना जोरदार तरीके से हम लोग पहल कीजिए, हम लोग को उद्धार कर दीजिए कम से कम सर, हम लोग आप लोग कल जुड़ी है आप लोग का मांग अथा संभव पूरा करें, जिंदाबाद।